चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास से आगे बढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने पढ़ लिया था सर, ट्रांसपोर्टेशन क्या काम आता है, या तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए, या ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो प्रॉफिट और सेल्स होती है उसको बढ़ाने के काम में आता है। मेन बात ये थी, जहां से गुड्स भेजे जाते हैं उनको सोर्सेज बोला जाता है, जहां गुड्स भेजे जाते हैं उनको डेस्टिनेशन बोला जाता है। सोर्सेज गुड्स की सप्लाई करते हैं, डेस्टिनेशन गुड्स की डिमांड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन बात यह है कि सोर्सेज की सप्लाई और डेस्टिनेशन की डिमांड इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो तो हमें उन्हें इक्वल बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं सर? हम या तो डमी रो ऐड करते हैं या डमी कॉलम ऐड करते हैं। अगर सप्लाई कम है तो डमी रो ऐड की जाएगी, और अगर डिमांड कम है तो डमी कॉलम ऐड की जाएगी, जितनी क्वांटिटी कम है उसके साथ में। वैल्यू क्या होगी? डमी रो या कॉलम की वैल्यू जीरो ही होती है। अगर क्वेश्चन कभी बोल दे कि डमी रो और कॉलम की वैल्यू तो यही लिखनी है, तो फिर हम क्वेश्चन से आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। क्वेश्चन ने जो वैल्यू बोली वो लिख देंगे, हमारा क्या जा रहा है। जनरली क्वेश्चन बोलते नहीं है तो जीरो जीरो ही होती है। बाय चांस अगर कभी क्वेश्चन बोल दे तो डमी रो और कॉलम की वैल्यू आपको वही लेनी है जो क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद में हमने देखी थी बेटा कि तीन मेथड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। पहला मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जो कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है और एग्जाम का क्वेश्चन भी हमने करके देखे थे। इसके अलावा दूसरा होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा होता है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो पहला मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमने देखा था कि आपको सेल को ऑक्यूपाई करना होगा। कैसे? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरुआत करनी होगी, उसको ऑक्यूपाई करिए, रेस्पेक्ट की डिमांड सप्लाई में से जो भी कम हो वहां लिखिए, जो जीरो हो जाए उसको डिलीट कर दीजिए। ये प्रोसीजर एंड तक फॉलो करिए, सारी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, और उनको मल्टीप्लाई करके आप आपकी टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। इसके अलावा हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट सबसे कम अच्छा है, उससे कम अच्छा है, फिर उससे थोड़ा अच्छा है लीस्ट कॉस्ट, और सबसे अच्छा है वोगल मेथड। तो ये हमने बात कर ली थी। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो अपना पहला मेथड बेटा हो चुका है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम होगा हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। आइए बेटा इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारी टेबल है और अब हम पढ़ने वाले हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है इसका, तो लीस्ट कॉस्ट मेथड मतलब पहले हम क्या करते थे, पिछले मेथड में अपन कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं? पिछले वाले मेथड में अपन कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर ऑक्यूपाई कर। इस वाला मेथड में क्या करेंगे, जहां पर कॉस्ट हमारी सबसे कम होगी वहां पर ऑक्यूपाई करेंगे। एक बार जल्दी से टेबल को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये मेन टेबल अपनी काम आती। तो जल्दी से आप मेरे साथ में बेटा टेबल बना लो फ्रेशली, एक और लीस्ट कॉस्ट मेथड हेडिंग डालो और ये टेबल बना लो। एक टेबल फ्रेश शुरू में रहने देना। फिर इसी क्वेश्चन को अपन ने नॉर्थ वेस्ट से कर लिया, इसी को लीस्ट कॉस्ट से कर रहे हैं, फिर इसी क्वेश्चन को वोगल मेथड से करेंगे। टोटल चार अपने कॉलम होने चाहिए। ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन और ये रहा चार। ये ऊपर आ गया, इसके बाद ये रहा एक, ये रहा दो, ये तीन ही तो है, ये रहा तीन। इसमें हमारा है फ्रॉम और टू। फ्रॉम टू के अंदर C1, C2, C3 और C4 अपन ने बनाया था बेटा डमी, और इसमें था M1, M2 और M3। डमी की कॉस्ट 0-0 हो गई थी। इधर आती है हमारी सप्लाई और इधर आती है हमारी डिमांड। जल्दी से कॉस्ट देख लेते हैं, 857745। सिक्स नाइन फाइव। आ जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी से।
लीस्ट कॉस्ट मेथड के लिए, 250, 320, 280। थ्री हंड्रेड, 260, 180 एंड 110। आइए बेटा, गेट रेडी। देखिए बेटा, लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहता है पहले उस पर फोकस करो। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या बोलता था, कैसे ऑक्यूपाई करनी है, कैसे क्वांटिटी भेजनी है। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ना, उसको ऑक्यूपाई कर लो, देख लो डिमांड सप्लाई में से जो भी कम है वही जा पाएगा। मान लो किसी की डिमांड 200 है, आपके पास सप्लाई 250 है, जा क्या पाएगा, 200 ही जा पाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों में से कम इसीलिए लेते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहता है सुनिए बेटा। लीस्ट कॉस्ट मेथड ये कहता है कि जहां जिस सेल की कॉस्ट सबसे कम है ना, उसको ऑक्यूपाई करो। जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो उसको ऑक्यूपाई करो सबसे पहले, और धीरे 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 फिर आगे बढ़ते हो। तो इस टेबल में जब हम सबसे कम कॉस्ट देखते हैं तो जीरो दिखती है, और जीरो भी तीन तीन है, एक यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो सर इस सिचुएशन में क्या करें बेटा, आप अगर ऐसी सिमिलर कॉस्ट दिखती है तो आप कोई से भी एक को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बट व्हाट वी विल प्रिफर, हम जो सबसे ऊपर होगा ना उसको करेंगे, क्योंकि अगर सिमिलर सा मिल जाए तो सबसे ऊपर जो रो के अंदर है उसको लेंगे अगर सिमिलर। तो पहले आपको समझना है, नोट कुछ भी नहीं करना है, जब मैं बोलूं तब करना है। तो इस टेबल के अंदर में सबसे कम कॉस्ट देखी तो जीरो मिली, जीरो भी तीन तीन है, तो कौन से को ले, हमने जैसा एक रूल बनाया सबसे ऊपर वाला। अब आगे वही काम करना है जो पिछले में करा था। इसकी रेस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई देखो, दोनों में से कम क्या है, तो डिमांड है, तो यहां हम कितना लिख लेंगे, 110, तो ये हो जाएगा जीरो और यहां बच जाएगा 140। तो जो जीरो हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो ये हो गया वो डिलीट। टेबल बच गई ये वाली। बताओ बेटा इसमें मिनिमम कॉस्ट कितनी दिख रही है आपको, किसको ऑक्यूपाई करें, अब हमें किसको ऑक्यूपाई करना चाहिए। यस बेटा, फोर को ऑक्यूपाई करना चाहिए, क्योंकि फोर के यहां पर जो कॉस्ट है वो हमें मिनिमम देखने को मिल रही है। तो लेट्स ऑक्यूपाई द फोर। रेस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई, सप्लाई है 320 और डिमांड है 260। दोनों में से कम क्या है सर, 260। तो 260 यहां लिखा तो यहां बच गया जीरो और यहां बच गया ओनली 60। तो जो जीरो हो जाता है वो डिलीट, तो हमने इसको कर दिया है बेटा डिलीट। इसके बाद में बाकी जो टेबल बची है उसमें बताओ मिनिमम कॉस्ट बेटा आपको क्या दिख रही है, मिनिमम कॉस्ट आपको क्या दिख रही है। पहले आप समझने पर ध्यान देंगे बेटा, नोट आप नहीं करें, ध्यान रखें नोट नहीं करना है आपको। फाइव दिख रहा है, फाइव भी दो दो है देखो, एक तो ये रहा फाइव और ये रहा फाइव, कौन सा ले, M2 वाला 5 ले या M3 वाला 5 ले, अब दोनों में से पहले। वैसे तो आप कोई सा भी ले सकते हो, मैं बताऊं तो कोई सा भी ले सकते हो आप, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन हमने एक रूल बना लिया है, हमने बोला हम ऊपर वाला ही लेंगे पहले, क्योंकि सबका हमारा एक कॉमन प्रोसीजर रहे हमेशा के लिए, वरना हम सोचते रह जाते हैं यार इस बार इसको ले लेते हैं, इस बार इसको ले लेते, तो वो काम करना ही नहीं, हम ऊपर वाला ही लेंगे। तो हमने इसको ऑक्यूपाई करा, डिमांड सप्लाई में से कम, सप्लाई है 60 तो यहां जीरो रह गया, यहां 240, तो जो जीरो हो गया है उसे हम कर देंगे बेटा डिलीट। इसके बाद में देखो बेटा, जो कॉस्ट बची है उसमें मिनिमम अगेन क्या दिख रहा है हमको, 5, तो 5 को ऑक्यूपाई करा। रेस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई देखो क्या है, दोनों में से कम देखो क्या है, 280, 180 में से कम क्या है सर, 180, तो इधर बच गया जीरो, इधर बच गया 100। सर जो जीरो हो जाता है उसको क्या कर देते हैं, डिलीट, तो डिलीट कर दिया। अब जो टेबल बची है उसमें 8 और 7 ही बचे हैं, किसको ले सर, 7 को लेना है, कम कॉस्ट वो है। रेस्पेक्ट की डिमांड सप्लाई देख रहे हैं तो सर दोनों में से कम 100 है, तो यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ 140। जो जीरो होता है सर हम उसको डिलीट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया लास्ट वाले नंबर की डिमांड सप्लाई दोनों सिमिलर बचती है, तो ये 8 है देखो, इसकी सप्लाई 140 है, डिमांड भी 140 है, तो ये 140 लिखा, इधर से भी जीरो और इधर से भी जीरो, अब दोनों तरफ से ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
ये आसान सी बात थी बेटा, बताओ समझे कि नहीं समझे इस बात को, यस और नो, जल्दी से बेटा कंफर्म करो। बड़ा आसान है ये, इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ऑक्यूपाई करने को बोला गया, इस मेथड में बोला गया जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो उसको ऑक्यूपाई करो, दैट्स इट। बाकी अगर फर्स्ट मेथड अपन को आता है तो सेकंड तो आसान। तो ये था अपना, इनकी स्टेप्स अपन को लिखनी है, फर्स्ट मेथड की भी आई होप अपन ने नहीं लिखी है अभी। हाँ अभी तो अपन ने सीखा है, स्टेप्स दोनों की एक साथ ही लिखेंगे अब अपन। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब इसी की फ्रेश टेबल बनाएंगे और फिर कॉस्ट निकाल देंगे। आप भी सॉल्व कर सकते हो, इसको देखे बिना आप खुद की तरफ से सॉल्व करो, ज्यादा बेटर है। अब मैं इस टेबल को फ्रेश टेबल बना रहा हूं जिससे हम फिर इसकी टोटल कॉस्ट निकाल पाए। कॉस्ट हमारी देखते हैं क्या क्या आई। 857745, सिक्स नाइन फाइव, तो ये हमारी टेबल बन गई। अब अपन क्वांटिटी ले लेते हैं जो कि हमको फर्स्ट टेबल से मिले, 140, 60 और 100। 140, 60 एंड 100 ये आ गई, 260 आ गई 4 के ऊपर। वन एटी आ गई यहाँ पर, और 110 आ गया यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, ये सारी कॉस्ट आ जानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी और कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। वन फोर्टी, सिक्सटी और हंड्रेड, तो ये आ गई। टू सिक्सटी, 180 और 110। कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं, 857, और फिर आ रही है हमारी 4560। ये तो जीरो ही आ जाएगा। 140 इंटू 8 करिए बेटा, कितनी कॉस्ट आ रही है देखिए, 1120।
300, 700, 1040 और 900 टोटल कॉस्ट निकाल दो बेटा। फोर जीरो सिक्स जीरो आ रही। आप ये देखो, इसी सेम क्वेश्चन से हमने पिछला जब किया था, पिछले मेथड से किया था, तो कॉस्ट कितनी आ रही थी देखो, 4230। ये देखो, ये बेटर मेथड है और इसने हमको क्या दी, 4060 में ही हमारी सारी क्वांटिटी खत्म करवा दी और बोला ऐसे ऐसे भेजो, जिसको इसने ज्यादा बेटर बताया। तो ये सेकंड बेस्ट मेथड इसी वजह से माना जाता है। क्लियर है बेटा सभी को? यस और नो जल्दी से बताइए, और फिर अपन अब इनकी लिखने वाले हैं दोनों मेथड की स्टेप्स। चलिए बेटा, अब अपन इनके स्टेप्स लिखने वाले। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की भी और इसकी भी, क्योंकि एग्जाम तक जरूरी नहीं है हमको बातें याद रहे, तो स्टेप से बातें याद आनी चाहिए बेटा। सबसे पहले स्टेप्स टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और पहला मेथड अपन इसमें देखने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पर बात करने जा रहे हैं। इसको वन ऐसे लिख लो ताकि अपन स्टेप्स में ये वाले नंबर दे दें। सबसे पहले स्टेप डिमांड सप्लाई चेक करना कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। चेक विद डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल और नॉट। इफ नॉट देन मेक देम इक्वल बाय इंट्रोड्यूसिंग डमी रो और कॉलम। सेकेंड थिंग, हमने ये चेक कर लिया भाई सारा रास्ता साफ है और डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब हमारा इस मेथड का काम शुरू होगा। हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले को ऑक्यूपाई करेंगे। नाउ वी विल ऑक्यूपाई द सेल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में टेबल को जाकर के ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई करने के बाद क्या करेंगे, अब रेस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई देखेंगे। नाउ वी विल सी रेस्पेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट सेल। देख के करेंगे क्या भाई, देखते थोड़ी ना रहेंगे। अब दोनों में से जो भी कम है वो लिखेंगे। रीजन क्या है कि अगर किसी सेल के रेस्पेक्ट में डिमांड हो रही है 200 यूनिट्स की और हमारे पास सप्लाई है 250 की, तो हम उसको 200 ही देंगे ना, क्योंकि जब अगला मांग रहा है उससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। और मान लो हमारे पास 150 होते तो फिर हम 150 दे पाते। तो दोनों में से जो भी कम हो वो लिखा जाएगा और रीजन ये होता है इसका। नाउ
वी विल राइट डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस इन दैट ऑक्यूपाइड सेल नाउ दैट क्वांटिटी. अब वो जो क्वांटिटी है जो आपने लिखी है वो डिमांड सप्लाई दोनों में से कम की जाएगी. क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम डिमांड एज वेल एज फ्रॉम सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई दोनों में से कम की जाएगी. एंड अगली स्टेप द रो और कॉलम हुज रो में सप्लाई आती है, सप्लाई और कॉलम में डिमांड आती है, डिमांड बिकम्स जीरो विल बी डिलीटेड. डिलीट कर देंगे और अब यही स्टेप्स आगे वाली हम फॉलो करते रहेंगे. नाउ अगेन वी विल ऑक्यूपाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फ्रॉम द टेबल एंड वी विल रिपीट सेम स्टेप्स एज डिस्कस्ड अबाउट अंटिल ऑल रोज एंड कॉलम्स आर नॉट गेट डिलीटेड. तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक सारे रो और कॉलम डिलीट ना हो जाए. एंड सारे डिलीट हो रहे हैं मतलब डिमांड्स एंड सप्लाई बिकम्स जीरो. डिमांड सप्लाई जीरो हो चुकी. जब ये काम हो जाएगा तो लास्ट काम हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्ट निकालने का. और प्रॉफिट की प्रॉब्लम है तो टोटल प्रॉफिट निकालने का. नाउ वी विल कैलकुलेट टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल्स बाय मल्टीप्लाइंग देम विथ क्वांटिटी. क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम टोटल प्रॉफिट सेल्स वगैरह निकाल लेंगे. तो बेटा ये छोटी छोटी स्टेप्स में बांट के हमने सारी स्टेप्स लिख ली है. अगर आपने नोट कर लिया तो बताएं बेटा. अपन अब लिखते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड की स्टेप्स. चलिए बेटा लीस्ट कॉस्ट मेथड में चलते. सेकंड है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड. इसमें स्टेप्स को थोड़ा शॉर्ट कर देंगे जो ताकि हम जल्दी से जल्दी समझ पाए, जल्दी ही इसको कवर कर लें. लास्ट पॉइंट बेटा आपको अभी बताते हैं.
लीस्ट कॉस्ट मेथड को शॉर्ट करते हैं। स्टेप्स तो सारी सेम है, बस ऑक्यूपाई करने का तरीका बदल गया है, तो इसको शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, क्योंकि रिपीट बार बार लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। अंडर दिस मेथड वी ऑक्यूपाई दैट सेल हुज कॉस्ट इज मिनिमम एंड अदर स्टेप्स रिमेन सेम एज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये इतने से में काम हो गया, वरना हमको पूरे स्टेप्स अगेन रिपीट का कोई लॉजिक नहीं। फर्स्ट वही चेक करेंगे डिमांड सप्लाई इक्वल है या नहीं, अगर वो इक्वल है तो आप जो भी मिनिमम कॉस्ट होगा उसको ऑक्यूपाई करेंगे, रेस्पेक्ट की डिमांड सप्लाई में से जो भी कम होगा वो लिखेंगे, जो जीरो हो गया उसको डिलीट कर देंगे, और इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते रहेंगे जब तक सभी डिलीट ना हो जाए, और एंड में हम क्वांटिटी और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। होपफुली बेटा ये आपको क्लियर है। अब बेटा हम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और हमारे थर्ड मेथड के थ्रू। ये मेथड थोड़ा सा बड़ा मेथड है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है बेटा वो दो पार्ट में सॉल्व होगा। एक पार्ट को हम बोलते हैं इसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब इनिशियल सॉल्यूशन, और अगले वाले को हम फर्दर सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फाइनल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, वॉट एवर द थिंग जो अपन कह सकते हैं। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है तो ये दो पार्ट में सॉल्व होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन टू पार्ट्स अंडर दिस मेथड। एक को हम बोलते हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन और नेक्स्ट वाले को हम फर्दर फाइनल या फिर फिजिबल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। देखो इंटरमीडिएट लेवल पर अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक जो पास्ट ट्रेंड देखा गया वो यही आया है, इनिशियली आया है। भाई फर्दर भी पूछ लेगा तो ऐसा कोई खास टाइम नहीं है। फर्दर के अंदर एक होता है लूप का कंसेप्ट होता है, वो अगर आ जाता है तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो वो इंटरमीडिएट लेवल पर देखने को तो नहीं मिलेगा उसका क्वेश्चन, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको एक बार, नॉलेज के लिए जानना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो इतना। लूप का कंसेप्ट भी एक आता है इसमें, वो उसका क्वेश्चन फाइनल में आएगा, आएगा तो इंटर में नहीं आ सकता, और वैसे भी इंटर में तो ये देखो बेसिक लेवल भी पूरा नहीं आया है, तो वो एडवांस लेवल का तो सवाल ही, फिर उसका क्वेश्चन कम से कम 12 मार्क्स तक जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये थोड़ा सा टेक्निकल और बड़ा मेथड है। तो हम पहले बात करेंगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में, सेम टेबल को कॉपी कर लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ये रही सेम टेबल, इसी को हम कॉपी करेंगे और इसी से हम क्वेश्चन करेंगे अपना स्टार्ट। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सीखने वाले हैं कि आखिर ये क्या बोलता है
इनिशियल, फिजिबल, सॉल्यूशन। आखिर बोलता क्या है इसके बारे में हम देख रहे हैं। टेबल बना लेते हैं वही सेम। वही फ्रॉम और टू, C1, C2, C3, C4। C4 है हमारा डमी, M1, M2 और M3। इधर हम लेते हैं एज यूजुअल सप्लाई, इधर हम लेते हैं एज यूजुअल डिमांड। डमी के वैल्यूज ऑलरेडी जीरो है, बाकी कॉस्ट हम देख लेते हैं कि क्या कॉस्ट है। 857745695। चलिए बेटा डिमांड देखते हैं, 250, 320, 280। थ्री हंड्रेड, 260, 180 और 110। और दोनों तरफ का टोटल मिला के कितनी है, 850। ध्यान दीजिए बेटा सभी, यहां पर बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों, लिखना तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? और आप आपकी कॉपी पर जगह रखना, क्योंकि तो इस मेथड के लिए हमको थोड़ी जगह चाहिए होगी। देखो बेटा ध्यान से मेरी बातों को सुनो, अभी सबसे पहला काम, पहले काम पर बात कर रहे हैं फिर आगे के काम पर बात। सबसे पहला काम यहां पर बोला गया कि आपको निकालनी पड़ेगी रोज की एंड कॉलम्स की पेनल्टीज। सो ये पेनल्टीज क्या होती है? पेनल्टी अगर आप रो के लिए निकाल रहे हो तो उस रो के जो दो सबसे छोटे नंबर है उनका डिफरेंस। कॉलम के लिए पेनल्टी निकाल रहे हो तो कॉलम के जो दो सबसे छोटे नंबर है उनका डिफरेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी? डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉलेस्ट नंबर इज द पेनल्टी। अब रो के लिए निकाल रहे हो तो रो के दो स्मॉलेस्ट नंबर ले लो, और कॉलम के लिए निकाल रहे हो तो कॉलम के लिए। तो पहले अपन ये पहला काम करते हैं पेनल्टी निकालने का। देखो इधर अगर अपन देखे तो इधर बनी हुई है रो, तो हम इधर क्या निकालेंगे, रो पेनल्टीज निकालेंगे। और इधर जो है कॉलम्स बनी हुई है तो हम क्या निकालेंगे, कॉलम पेनल्टीज निकालेंगे। कैसे निकालनी है? दो सबसे छोटे नंबर्स का डिफरेंस लेना है। जैसे बताओ फर्स्ट रो की पेनल्टी कितनी निकलेगी, बताओ। ये काम आप भी कर सकते हो बेटा, फर्स्ट रो की पेनल्टी बता दो कितनी निकली। फर्स्ट रो के पेनल्टी मैंने अभी अभी आपको बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी? डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो फर्स्ट रो के टू स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं? सर फर्स्ट रो के टू स्मॉलेस्ट नंबर है 6 एंड 0। तो 6 एंड 0 का डिफरेंस कितना होगा, 6। इसी तरीके से आप यहां देखिए कि आगे क्या दिख रहा है आपको। नेक्स्ट आप देखोगे तो टू स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4 एंड 0, जिनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। एंड नेक्स्ट क्या है, 5 एंड 0, तो 5। इसी तरीके से इस कॉलम के लिए निकालते हैं, इस कॉलम के दो सबसे छोटे नंबर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, देखो C1 के लिए पेनल्टी तो सर 5 एंड 7, जिनका डिफरेंस कितना है, 2। फिर दो सबसे छोटे नंबर इसके हैं 4 एंड 5, जिनका डिफरेंस है सर 1।
फिर इस कॉलम के दो सबसे छोटे नंबर है 6 एंड 5, जिनका डिफरेंस है 1, और ये 0 एंड 0, ये तो जिनका डिफरेंस है 0। क्या बेटा ये पेनल्टी निकालना सभी को क्लियर हुआ, यस और नो जल्दी से बताओ? क्या बेटा आप पेनल्टी निकालना सीख चुके हैं? दो सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस, बस। रो के लिए निकाल रहे हो तो रो के दो सबसे छोटे नंबर, कॉलम के लिए निकाल रहे हो तो कॉलम के दो सबसे छोटे नंबर। स्टेप बाय स्टेप देखना, इसमें तीन चार बातें हैं। क्योंकि अब पेनल्टी निकलने के बाद में हमें इन पेनल्टीज में से मैक्सिमम पेनल्टी को सिलेक्ट करना है, तो बताओ इनमें से मैक्सिमम पेनल्टी आपको कौन सी दिख रही है बेटा? इन पेनल्टीज में से मैक्सिमम को सिलेक्ट करना है, तो पेनल्टीज आपके सामने हैं, इनमें से सर मैक्सिमम पेनल्टी इज 6। और सिलेक्ट कैसे करते हैं? ऐसे स्टार बना के सिलेक्ट कर लिया, फिर अब क्या करें? ये पेनल्टी सिलेक्ट होना ये आपको ये बताता है कि आपको आखिर किस में जाके ऑक्यूपाई करना है। ये पेनल्टी अगर देखो M1 के सामने वाली सिलेक्ट हो रही है, तो ये शो कर रही है कि M1 में जाके ऑक्यूपाई करो। अगर यहां पर ये वाली सिलेक्ट होती तो ये बोल रही है C3 के अंदर जाके ऑक्यूपाई करो। तो ये पेनल्टी सिलेक्ट करना हमको क्या बताता है कि आखिर हमें जाना कौन सी रो या कॉलम में है ऑक्यूपाई करने के लिए। पहले क्या बोलता था वो पहला मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले को कर लो। नेक्स्ट मेथड बोलता था लीस्ट कॉस्ट को कर लो। तो ये बोलता है कि जिस रो और कॉलम की पेनल्टी मैक्सिमम आ रही है, ध्यान से सुनना, जिस रो और कॉलम की पेनल्टी मैक्सिमम आ रही है उसके सबसे छोटे नंबर को ऑक्यूपाई कर दो। तो सुनो, हमने पेनल्टी निकाल ली, पेनल्टीज निकालने के बाद में सबसे बड़ा नंबर ले लिया, ये 6 किसके सामने हुआ है तो इसी में जाना पड़ेगा, जिसके सामने की पेनल्टी सिलेक्ट हुई उसी में चले जाओ। तो ये रही, बताओ इसमें से कौन सा नंबर ऑक्यूपाई करें? 8760 में से कौन सा नंबर करें? अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटा नंबर होता है वो ऑक्यूपाई करते, तो सर सबसे छोटा नंबर तो 0 है। रेस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई में से जो भी, अब वो आगे वाला काम सेम है, डिमांड ऑक्यूपाई करने के बाद का काम तीनों मेथड में सेम है। डिमांड सप्लाई में से क्या कम है? 110, तो वो लिखा, यहां बचा 0, यहां बचा 140, और जो 0 हो जाता है उसको हम कर देते हैं डिलीट, तो ये हमने कर दिया डिलीट। तो ऑक्यूपाई करने का तरीका यहां पर क्या बोलता है कि पहले पेनल्टी निकाल लो। पेनल्टी का मीनिंग क्या होता है? दो सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस। रो के लिए निकाल रहे हो तो रो के दो सबसे छोटे नंबर लो, कॉलम के लिए निकाल रहे हो तो कॉलम के दो सबसे छोटे नंबर। जब सारी पेनल्टीज निकल जाए तो उसमें से मैक्सिमम वाली पेनल्टी ले लो और उसके रेस्पेक्ट में चले जाओ। भाई वो मैक्सिमम पेनल्टी कहीं से भी हो सकती है, वो किसी कॉलम के सामने की हो सकती है, किसी रो के सामने की हो सकती है, जिसके भी सामने की पेनल्टी है उसमें आपको जाना होता है। तो यहां पर 6 था जो कि रो के सामने था, हम इसी में चले गए। अब इसी स्टेप को एंड तक रिपीट करना है, बस हो गया ये इनिशियल सॉल्यूशन। जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को एंड तक रिपीट करते थे, लीस्ट कॉस्ट को एंड तक, वैसे ही यहां अब अगेन क्या करते हैं? पेनल्टी निकालते हैं। आप मेरे साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर और समझ सकते हैं बात को आप चाहो तो। अब सर हम वापस से पेनल्टी निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो के दो सबसे छोटे नंबर अब कौन से हैं? 7 एंड 6, जिनका डिफरेंस कितना आएगा? 1। नेक्स्ट रो के दो सबसे छोटे नंबर अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहे हैं 5 एंड 4, क्योंकि ये तो डिलीट हो चुका है, तो 5 एंड 4 का डिफरेंस है 1। देन 5 एंड 5 है, जिनका डिफरेंस 0। फिर इधर कॉलम की साइड से चले तो दो सबसे छोटे नंबर वही सेम बने हुए हैं, 5 एंड 7, जिनका डिफरेंस 2। ये तो क्योंकि अनअफेक्टेड है ना, तो सेम ही आ जाएगा। अगर सब दो पेनल्टी सेम आ जाए तो क्या होगा? वो अपन ने एक रूल बना रखा ना, ऊपर वाले को लेंगे हम, वही करेंगे बस। सेम आ गई तो ऊपर जो आ रहा है वो ले लो, इधर से मतलब रो में से ले लो। 4 एंड 5 का डिफरेंस 1, और 6 एंड 5 दो सबसे छोटे नंबर, इनका डिफरेंस 1। इसमें डैश लगा दो क्योंकि ये डिलीट हो गया। बताओ बेटा कौन सी पेनल्टी को सिलेक्ट करें? बताओ जल्दी से कौन सी पेनल्टी को सिलेक्ट करें? हमने पेनल्टी निकाल ली, दो सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस होती है, दो सबसे छोटे नंबर रो की निकाल रही है तो रो के दो सबसे छोटे नंबर लिए, कॉलम की निकालनी थी तो कॉलम के दो सबसे छोटे नंबर। अब कौन सी पेनल्टी को लेते हैं? मैक्सिमम पेनल्टी को लेते हैं, तो मैक्सिमम पेनल्टी इज 2, ले लिया 2 को। अब एक बात और बता दो, कौन से नंबर को ऑक्यूपाई करूं जाके? बस ये बता दिया तो आप समझ चुके हो, बस ये एक आंसर जल्दी से मुझे दे दो बेटा कि बताओ कौन से नंबर को जाके अपन ऑक्यूपाई करेंगे। वेरी गुड, 5 को ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि सर
ये इस कॉलम में से सिलेक्ट हुआ है तो इसी कॉलम में जाना है अब अपन को, और इसमें से मिनिमम नंबर को लेना होता है तो 5 है वही। अब आगे का काम सेम है, रेस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई में से जो भी कम हो, तो 300 है यहाँ, 0 बचा यहाँ पर, 20 बचा, जो 0 हो गया उसको हमने कर दिया डिलीट। अब इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो, 7 एंड 6 ही बचे, दोनों का डिफरेंस 1, 4 एंड 9 का डिफरेंस 5 है, 5 एंड 5 का 0 है। ये कॉलम डिलीट हो गया तो यहाँ डैश लग जाएगा, 4 एंड 5 का डिफरेंस 1, 6 एंड 5 का डिफरेंस 1, ये डिलीटेड है तो डैश। बताओ कौन सा लेंगे भाई? सर अब कौन सा लेंगे, मैक्सिमम वाले को लेते हैं, मैक्सिमम सर ये रहा 5, इसके रेस्पेक्ट में जाना है अब, तो दो ही नंबर है सर 4 एंड 9, किसको ले? हमें ये बता देता है कि तुमको ये कॉलम में जाके ऑक्यूपाई करना है, किसको करना है जो मिनिमम होता है, तो 4 एंड 9 में से 4 कम है तो उसको ऑक्यूपाई करा, डिमांड सप्लाई में से कम 20 मिला हमको तो हमने वो लिख दिया, और जो 0 हो जाता है उसको हमने डिलीट कर दिया। अगेन वही 7 एंड 6 का 1, ये डिलीटेड है, 5 एंड 5 का 0, एंड एक बार मैं डिलीटेड का कलर चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये इसमें होता है जनरली, ये डिलीटेड है। इधर देखे तो ये तो डिलीट हो गया है तो यहां तो कुछ नहीं निकलेगा, डैश 1 1 और डैश लग जाएगा, 4 टाइम भी निकाल लेते हैं कुछ भी नहीं। अब इसके दो सबसे छोटे नंबर 7 एंड 5 बच गए, तो 7 एंड 5 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। इसके दो सबसे छोटे नंबर 6 एंड 5 बच गए हैं जिसका 1 हो जाएगा, और ये तो डिलीटेड है तो इसका तो डैश ही आना। तो अब अगर हम फोर्थ टाइम की देखें तो 1-0-2-1-, तो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी 2 है तो हमने इसको ऑक्यूपाई करा। आओ रेस्पेक्ट में चलते हैं, इसके 7 और 5 में से किसको लेंगे सर? तो दोनों में से जो भी मिनिमम होता है उसको लेंगे, तो मिनिमम है 5, ले लिया। आगे का काम एज यूजुअल सेम, डिमांड सप्लाई में से कम क्या है 240, तो यहां पर हमने 240 लिख दिया, 0 बचा और ये 40 बचा, जो 0 हो जाता है उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये हमने डिलीट कर दिया जो 0 हो गया उसको। अब आपको एक काम बताता हूं बेटा, अब देखो टेबल में दो ही नंबर बचे हैं, अगर दो नंबर बचे तो आप डायरेक्टली भी ऑक्यूपाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा ना उसी की पेनल्टी ज्यादा आएगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लो तो। ये देखो इसकी पेनल्टी अकेला नंबर है तो अकेली आएगी, अब तो क्या करें, अकेले है तो क्या गम है, तो ये 6 ही आ जाएगा, ये डैश आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा सब, यहां डैश, ये अकेला नहीं है, 6 एंड 5 का डिफरेंस 1 और यहां भी डैश। तो ऑटोमेटिकली देख लो जब दो नंबर ही बचे ना टेबल में तो आप बड़े वाले को ले लो, क्योंकि उसी की पेनल्टी ज्यादा आनी है, तो ये 6 आ गया और 6 अकेला ही है तो इसी को ऑक्यूपाई करना है। डिमांड सप्लाई में से कम क्या है 140, 180 में से कम 140, तो यहां बचा 0, यहां बचा 40, जो 0 हो गया उसको डिलीट कर देते हैं, तो ये 0 हो गया, इसको डिलीट कर दिया। लास्ट नंबर 5 बचा है, इसके लिए पेनल्टी की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ से इक्वल भी मिलेगा आपको, तो ये 40 लिखा, इधर भी 0, इधर भी 0, डिलीट कर दो दोनों तरफ से। जल्दी से बताओ बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं? कॉस्ट मत निकाल देना भाई, कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के कॉस्ट निकाल देते हैं मल्टीप्लाई करके, नहीं करना है अभी तो, ये इनिशियली आता है। ये बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं? मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं हमको करना क्या है, पहले तो पेनल्टी निकालनी है, पेनल्टी निकालने के बाद उसमें से मैक्सिमम को सिलेक्ट करना है, फिर उसके रेस्पेक्ट में जाके मिनिमम नंबर को ऑक्यूपाई कर लेना है, फिर वो वाला काम तो सेम है ऑक्यूपाई के बाद। और पेनल्टी कैसे निकलेगी, डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम नंबर, ये अपने स्टेप लिखेंगे तब लिखेंगे। जल्दी से बताओ बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं, या किसी का डाउट है? यस और नो? पेनल्टी निकालो, मैक्सिमम को सिलेक्ट करो, उसके रेस्पेक्ट में जाके मिनिमम को ऑक्यूपाई करो। किसी का कोई भी सवाल है तो पूछिए, और क्लियर है तो मुझे जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए इस बात, जल्दी से बेटा बताओ, यस और नो? ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब इसी पार्ट को हम अगले आगे करने वाले हैं,
लेकिन इसमें क्या होता है, जनरली अपना आंसर तो वैसे आ गया है, लेकिन अगला एक और टेबल बनेगी, वो भी हमको बनानी पड़ती है, जैसा कि मैंने बताया जो थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो इसको आप कर लीजिएगा बेटा, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट करेंगे।